इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच सेज ए वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर वॉज टू बी बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड. तो हमें एक ये दीवार बनानी है जो 10 मीटर लंबी है. द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर और इसकी हाइट 4 मीटर दी गई है. एंड थिकनेस ऑफ द वॉल इज 24 सेंटीमीटर्स और इसकी जो थिकनेस है वो 24 सेंटीमीटर हमें गिवन है. ठीक है. इफ़ द वॉल इज़ टू बी बिल्ड अप विद ब्रिक्स हुज डायमेंशन आर 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर हाउ मैनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड. देखो इसको पहले समझ लेते हैं कि ये दीवार है ये चलो मैंने इतनी सी अभी रख दी कितनी भी लंबी हो सकती है ये हमें गिवन है 10 मीटर्स लंबी है. ठीक है. तो ये इसकी लेंथ हो गई टोटल 10 मीटर्स यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है. ये अब वो कह रहा है कि छोटी छोटी ब्रिक्स को मिला के बनी हुई है जैसे कि ये मेरे पास एक ब्रिक हो गई. ठीक है. तो इस ब्रिक को ऐसी कितनी सारी ब्रिक्स हमने मिला के ये दीवार बनाई है और इस ब्रिक की डायमेंशन है 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर यानी कि इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये मुझे 24 12 और 8 गिवन है. ठीक है. तो ऐसी ब्रिक्स को मिला के मैंने ये एक दीवार बनाई. अब वो कहता है कि ऐसी कितनी ब्रिक्स लगेंगी अगर हमें 10 मीटर लंबी 4 मीटर ऊंची और 24 सेंटीमीटर थिक हमें एक वॉल बनानी हो. तो यहाँ मैं इसकी हाइट लिख लेता हूँ. ये हाइट हमें कितनी गिवन है 4 मीटर्स और थिकनेस हमें इसकी गिवन है 24 सेंटीमीटर. तो कहता है कि अब फाइंड आउट करो कितनी ब्रिक्स लगेगी. अब ये देखो ये जो मेरी दीवार बनेगी ये क्यूबॉइड शेप की बनेगी यानी कि एक तरह से ये शेप भी इसी तरह की शेप होगी. ठीक है. लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इस तरह की शेप ये ब्रिक की हो गई और ऐसी ही शेप इस दीवार की भी होगी. एक इसकी लेंथ होगी एक हाइट होगी और एक इसकी ब्रेड्थ होगी. तो ये भी क्यूबॉइड शेप की हो गई और ब्रिक भी क्यूबॉइड शेप की हो गई. अब इसका टोटल वॉल्यूम जो है ठीक है ये वॉल्यूम यानी कि कितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है ये दीवार कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो इसकी वॉल्यूम होगी. जैसे एज्यूम कर लो कि इसमें सिर्फ 6 ही ब्रिक्स लगनी है. ठीक है. अगर 6 ब्रिक्स लगनी है तो एक ब्रिक का जितना वॉल्यूम है उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इस वॉल का वॉल्यूम मिल जाएगा. ठीक है. दूसरी तरफ से इस वॉल के वॉल्यूम को अगर मैं एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो मुझे 6 मिल जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली हमें करना क्या है कि वॉल का जितना वॉल्यूम है उसको एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड करना है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी. सो लेट्स डू दैट. तो अब सबसे पहले तो मैं इस वॉल की वॉल्यूम निकालता हूँ. ठीक है. इस वॉल की वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या है एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है और क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. ऐसा क्यों होता है एल बी एच क्यों होता है अगर ये देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने लिंक दिया है आप उस वीडियो को देख सकते हो. ठीक है. अब इसकी लेंथ कितनी गिवन है 10 मीटर्स और इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है वो है 4 मीटर्स और इसकी थिकनेस हमें कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर्स. ठीक है. यानी कि ब्रेड्थ हमें कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर्स. अब ये मीटर में ये मीटर में ये सेंटीमीटर्स में उसके बाद ब्रिक्स की डायमेंशन सारी सेंटीमीटर्स में. तो बेहतर ये है कि मैं पहले इसको भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लूँ तो ये हो जाएगा 10 × 100 क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. तो ये कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर. लेंथ इतनी हो गई हाइट हो जाएगी 4 × 100 तो यानी कि 400 सेंटीमीटर्स. तो ये तीनों सेंटीमीटर्स में आ गए. अब मैं इसकी वॉल्यूम निकाल लेता हूँ. तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी एल बी एच यानी कि 1000 × 400 × 24 विच इज़ इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 9600000 इतने सेंटीमीटर क्यूब. ये आ गई वॉल्यूम टोटल वॉल की. अब हम वॉल्यूम निकालते हैं एक ब्रिक की. ठीक है. सिंगल ब्रिक की वॉल्यूम निकालते हैं और ये भी हमारे पास क्यूबॉइड शेप की ही है तो इसका भी वॉल्यूम क्या आ जाएगा एल बी एच और इसमें एल मेरा कितना है से 24. मुझे गिवन नहीं है कि ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है ये हाइट है लेकिन मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि इसको लेंथ मान लो इतने सेंटीमीटर और ब्रेड्थ में मान लेता हूँ से 12 सेंटीमीटर और हाइट मान लेते हैं से 8 सेंटीमीटर. ये एल बी एच है तो किसी को कुछ भी मान लोगे वॉल्यूम हमेशा आपकी बराबर ही आएगी. तो वॉल्यूम कितनी होगी इसकी
24 into 12 into 8, which is equal to 2304 centimeter cube. अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारी कितनी होंगी, वो होंगी वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, और वो कितना आ जाएगा, वॉल की वॉल्यूम कितनी है हमने अभी अभी निकाली थी 9612345 डिवाइडेड बाय 2304 एंड दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली आएगा मेरा 4166.6। अब ब्रिक्स जो हैं वो पॉइंट्स में तो हो नहीं सकती, तो ब्रिक या तो वन होगी या टू होगी, 1.5 ब्रिक तो हम लेंगे नहीं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 4167 ब्रिक्स हमारी टोटल लगेंगी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।